स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल राज स्कूल हेल्पर। साथियों, आज की इस वीडियो में सभी स्कूल साथियों के लिए कुछ लेटेस्ट जानकारियां, कुछ लेटेस्ट अपडेट लेकर आए। चलिए साथियों, सबसे पहले उन लेटेस्ट अपडेट की हाईलाइट बता देता हूं कि आखिरकार अपन इस वीडियो के अंदर किन लेटेस्ट जानकारियों को लेकर बात करने वाले। साथियों, वीडियो में अपन बात करेंगे सत्रांक 2020 के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। इसी के साथ वीडियो में अपन बात करेंगे SUPW के सत्रांक ऑनलाइन भरने हैं या नहीं भरने हैं। इसी के साथ वीडियो में बात करेंगे कि जो लोकल एग्जाम है इस बार वो होगी या नहीं होगी। इसी के साथ वीडियो में अपन बात करेंगे कि भैया लॉकडाउन के बाद विद्यालय हैं एक बार फिर से कब ओपन होने वाले हैं। इसी के साथ साथियों, वीडियो में बात करेंगे CBC मान्यता को लेकर। और इसी के साथ साथियों, वीडियो में अपन बात करेंगे नवीन मान्यता कर्मोन्नति की जो आवेदन है, अतिरिक्त संकाय, अतिरिक्त विषय, आखिरकार वो आवेदन कब से शुरू होंगे। इसी के साथ वीडियो में अपन बात करेंगे वित्त वर्ष के बारे में। तो चलिए साथियों, ये तो थे कुछ टॉपिक जिन पर अपन आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और धन्यवाद इसलिए देना चाहूंगा क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में एक आपसे बात कही थी कि हमारे चैनल पर फेक जानकारियां आपको मिलती हैं क्या, तो आपने सबने मुझे सपोर्ट किया। इसके लिए आपको मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूं और आपको धन्यवाद करता हूं कि आप मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको हर एक समय नवीन जानकारियां, नवीन अपडेट और बिल्कुल सही सही समय पर आपको देता रहूंगा। तो चलिए इन अपडेट्स के बारे में बारी बारी करके जान लेते हैं। चलिए पहले अपडेट की बात करता हूं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर सत्रांक 2020 को लेकर। साथियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा सत्रांक ऑनलाइन भरने की डेट है वो एक बार फिर से बढ़ा दी है। और साथियों, ये डेट बढ़ाकर कर दी है 20 अप्रैल 2020 तक। अगर साथियों आपने अभी तक अपने विद्यालय की कक्षा 10 और कक्षा 12 के सत्रांक ऑनलाइन नहीं भरे हैं तो साथियों आप 20 अप्रैल 2020 तक ये ऑनलाइन भर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं SUPW की। देखिए साथियों, काफी सारे जो स्कूल साथी हैं उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि क्या सर SUPW के सत्रांक ऑनलाइन भरने हैं या नहीं भरने। देखिए साथियों, आपकी जानकारी के लिए मैं यहां बता दूं कि शिक्षा विभाग के द्वारा जब जो अद्वार्षिक परीक्षाएं शुरू होने वाली थी तो उस समय एक आदेश आया था कि भी जो समाजोपयोगी विषय है वो हटा दिया गया है। तो ऐसे में काफी सारे जो स्कूल संचालक साथी हैं वो कंफ्यूज हो गए कि यार विषय तो हटा दिया था, एग्जाम भी नहीं, और ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो कक्षा 10 के सत्रांक है वो ऑनलाइन भरा रहा है। तो साथियों, मैं आपको यहां बता देता हूं कि आपको SUPW के जो सत्रांक है वो ऑनलाइन भरने हैं, ग्रेडिंग है आपको ऑनलाइन करने हैं। कारण है इसमें, देखिए साथियों, विभाग के द्वारा केवल परीक्षाएं हैं या वो जो विषय वो परीक्षा का उसे हटाया गया था, न कि पूरा वो विषय हटाया गया था उसमें। अब देखिए, समाजोपयोगी योजना के अंदर केवल थ्योरी नहीं होती है, इसके अलावा जो अदर एक्टिविटीज होती हैं, जैसे अपने विद्यालय में कैंप चलते थे पहले, तो उस कैंप के अंदर अपने विद्यार्थियों से साफ सफाई करवाई जाती थी, कुछ प्रतियोगिताएं हैं वो करवाई जाती थी, उसको आधार मानकर नंबर हमें दिए जाते थे। तो यही वो प्रूफ है और यही वो आधार है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अपने विद्यालय के SUPW के विद्यार्थियों की ग्रेडिंग या फिर ऑनलाइन सत्रांक आपने नहीं भरे तो आप अपने स्तर पर उसे भर दे। और आपकी जानकारी के लिए और बता दूं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा ऐसा कोई आदेश, ऐसा कोई परिपत्र नहीं आया है कि भैया आपको SUPW के सत्रांक है वो ऑनलाइन नहीं भरने। और उनकी तरफ से यदि नहीं आए हैं तो इसका मतलब यही है आपको ये सत्रांक है वो ऑनलाइन भरने। चलिए अगले अपडेट की बात करता हूं साथियों कि आखिरकार ऑनलाइन सत्रांक भरते समय यदि हमें कोई त्रुटि रह गई है और हमने एक बार स्टूडेंट के डाटा में अपडेट कर दिया और सत्रांक को लॉक कर दिया और लॉक करने के बाद हमें डेटा में सुधार करना, तब ऐसी स्थिति में अपन क्या करें। देखिए साथियों, अगर आपने अपने विद्यालय के सत्रांक ऑनलाइन भर दिया और भरने के बाद लॉक कर दिया तो एक बार आप ऑनलाइन पैसा जमा करके ऑनलाइन पोर्टल से उसे अपडेट कर सकते हो। पर स्टूडेंट के 50 रुपये आपको ई मित्र पर बोर्ड की जो शाखा है या बोर्ड का जो लिंक है उस पर वहां जाकर के आपको जमा करवाना है, जितने भी स्टूडेंट हैं 50 रुपये पर स्टूडेंट के। फिर आप एक बार पुनः वहां पे अपडेट कर सकते हो, क्योंकि जब आप दोबारा अपडेट के लिए आओगे तो वहां पर आपसे चालान नंबर है वो मांगेगा, अगर वो चालान जमा हो जाएगा तो आप ऑनलाइन अपडेट है वो कर सकते हो। चलिए अगले अपडेट की बात करते हैं, क्या इस बार जो लोकल कक्षाएं हैं उनकी एग्जाम होगी या नहीं होगी। काफी सारे जो साथी हैं ये बार बार कमेंट कर रहे थे और बार बार ये पूछ रहे थे कि भैया इस बार होगी या नहीं होगी। कुछ साथी ये भी बोल रहे थे कि सर हमें तो सुनने में ये आया कि इस बार जो कक्षाएं हैं उनको अगली कक्षा में ऐसे ही ऑटोमेटिक प्रमोट कर दिया जाएगा बिना परीक्षा के। देखिए साथियों, आपकी जानकारी के लिए यहां बता दूं
कि अभी तक अपनी राजस्थान सरकार या अपने शिक्षा विभाग के द्वारा ऐसा कोई आदेश नहीं आया है कि भाई जो लोकल कक्षाएं हैं उनकी एग्जाम नहीं होगी और उनको अगली कक्षा में ऐसे ही ऑटोमेटिक आपको प्रमोट करना, ऐसा कोई आदेश नहीं आया है। साथियों जहां तक मुझे लग रहा है कि जैसे ये लॉकडाउन हट जाएगा और लॉकडाउन हटने के बाद ये परीक्षाएं हैं होने वाली हैं, यदि ये नहीं होंगी, अगर शिक्षा विभाग इसमें मना करता है या कोई आदेश आता है तो इसकी जानकारी है आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। और जो साथी हमारे चैनल पे नए मेहमान हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं और चैनल को भी नहीं सब्सक्राइब किया, तो उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन है वो दबा ले ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो भैया जब तक शिक्षा विभाग के द्वारा क्लियर आदेश नहीं आते हैं तब तक है हम किसी डिसीजन हम अपने स्तर पर नहीं ले सकते कि जो विद्यार्थी है उनको अगले कक्षा में प्रमोट करने या नहीं करने। अगर मान लीजिए परीक्षा नहीं भी होती है, जहां तक मेरी राय में बताऊं, अगर परीक्षा नहीं भी होती है तो ऐसे में विद्यार्थी ने 3 टेस्ट भी दिए हैं, अर्द्धवार्षिक परीक्षा भी दी है, उनका जो आधार निकालकर उनका प्रतिशत निकालकर हमें वार्षिक परीक्षा के नंबर चढ़ा देंगे, उनका रिजल्ट हमें वैसे भी तैयार करना पड़ेगा। तो रिजल्ट तो 100% हमें तैयार करना पड़ेगा। देखिए साथियों नवोदय जो विद्यालय है, जो केंद्रीय विद्यालय, उनका एक आदेश आया था और उस आदेश में यह कहा गया था कि जो लोकल कक्षाएं हैं उनको ऊपर की कक्षा में ऑटोमेटिक है वो प्रमोट कर दिया जाए, उनकी किसी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं। लेकिन वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का आदेश था, अपने राजस्थान सरकार या स्टेट गवर्नमेंट का आदेश नहीं था। तो ऐसे में फिलहाल कोई ऐसा आदेश नहीं आया कि प्रमोट करना है या नहीं करना है बगैर एग्जाम के, जैसे ही आएगा उसकी जानकारी है आपको मिल जाएगी। चलिए अगले अपडेट की बात करते हैं। काफी सारे साथियों ने इस बारे में पूछा है कि आखिरकार लॉकडाउन के बाद हमारे विद्यालय कब तक खुलेंगे। देखिए साथियों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अपने विद्यालय के ओपन करने के लिए पहले एक आदेश आया था कि भाई 30 मार्च तक है, चाहे वो सरकारी हो या फिर चाहे गैर सरकारी विद्यालय है वो बंद रहेंगे। लेकिन अपने भारत में 14 अप्रैल 2020 तक लॉकडाउन है वो बढ़ा दिया गया। तो ऐसे में शिक्षा विभाग के द्वारा एक बार पुनः आदेश आ गया है और 14 अप्रैल 2020 तक सभी विद्यालयों को करने के आदेश दिए हैं कि भी कोई भी विद्यालय खोला नहीं जाएगा। अगर साथी वो आदेश आपके पास नहीं है, अगर वो आदेश आपको पढ़ना है तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और वेबसाइट का नाम है www.rajguruji.com, वहां पर आपको ये आदेश और परिपत्र है वो आपको मिल जाएंगे। चलिए अगले अपडेट की बात करते हैं साथियों वित्त विभाग की। अब देखिए साथियों हर साल जो वित्त वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक है वो होता है, लेकिन इस बार जो वित्त वर्ष होगा साथियों वो होगा 30 जून तक, यानी 1 अप्रैल से लेकर अगली 30 जून तक, और 1 जुलाई 2020 से नया वित्त सत्र है वो चलने वाला। चलिए साथियों अगले अपडेट की बात करते हैं सीबीएसई मान्यता को लेकर। अगर साथियों आप भी अपने विद्यालय को सीबीएसई से जोड़ना चाहते हो या सीबीएसई बोर्ड से संबद्धता आप लेना चाहते हो, तो साथियों अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट से या राज्य सरकार से आपको एनओसी प्राप्त हो गई है तो सीबीएसई के द्वारा संबद्धता लेने के लिए जो डेट है वो एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। और साथियों ये डेट बढ़ाकर कर दी है 30 अप्रैल 2020, इससे पहले ये 31 मार्च 2020 थी और अब ये डेट बढ़ाकर 30 अप्रैल 2020 है वो कर दी गई। यदि आप भी संबद्धता लेना चाहते हो सीबीएसई बोर्ड से तो 30 अप्रैल 2020 तक आप आवेदन है वो कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं नवीन मान्यता के लिए। काफी सारे साथियों ने बारे में पूछा कि सर आखिरकार इस साल नवीन मान्यता के आवेदन कब से शुरू होंगे, विद्यालय के कर्मोन्नति के कब से आवेदन होंगे। अगर साथियों आपको भी नवीन मान्यता लेनी है और अपने विद्यालय को कर्मोन्नत करना है या 8वीं से 10वीं करना है, 10वीं से 12वीं करना है, अतिरिक्त संकाय लेना है, अतिरिक्त विषय लेना है, तो इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। और साथियों इस बार देखिए स्थिति तो अलग हो गई, वरना आवेदन वो शुरू हो जाते, तो अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं शुरू हुए हैं। अगर आपको नवीन मान्यता लेना है, अतिरिक्त संकाय आपको लेना है, तो आवेदन अभी फिलहाल शुरू नहीं हुए। और ये सारे के सारे जो आवेदन है साथियों आपको पीएसपी पोर्टल के माध्यम से करवाए जाएंगे, लेकिन जैसे ही अपडेट आएगा तो उसकी जानकारी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो एक बार आप देखिए, मैंने आपको यही बताया था कि जैसे कोई नई जानकारी आएगी उसकी तुरंत सूचना आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। अब मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करता हूं, अब जिसके दिमाग में तो जो क्वेश्चन चल रहा है उसी क्वेश्चन को बार बार वो फॉलो करके उसी कमेंट में करता है। तो साथियों एक ही क्वेश्चन का मैं कई बार आंसर साथियों को दे देता हूं, फिर मैं क्या करता हूं यार, एक ही क्वेश्चन का बार बार जब मैं आंसर देता हूं
और यार मुझे भी यार लगता है कि शायद यार ये बंदा है कुछ समझ नहीं पा रहा है। तो ऐसे में मैं एक बार आपसे फिर कहना चाहूंगा, देखिए साथियों, मैं जब भी कोई सूचना आएगी उसकी जानकारी आपको दे दूंगा, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो। तो ऐसे में हर एक वीडियो के नीचे एक ही क्वेश्चन को बार बार आप नहीं करें। अगर आप विद्यालय की मान्यता लेना चाहते हैं तो अभी तक आवेदन शुरू नहीं हुए, आप वेट करो। आवेदन शुरू करने से पहले विभाग है निर्देश करेगा, विज्ञप्ति है वो जारी करेगा, उसके लिए आपको समय देगा, तकरीबन 1-1.5 महीने का आपको समय देगा। यार एक दिन लेट हो जाएगा वीडियो, 2 दिन लेट हो जाएगा, 5 दिन हो जाएगा, लेकिन अगले 5 दिन में जैसे आदेश आएगा तो उसकी जानकारी है वीडियो के माध्यम से मैं आपको दे दूंगा। तो साथियों ये तो थे आज के नए कुछ लेटेस्ट अपडेट, कुछ नवीन जानकारियां। मुझे बताना कि आज की ये वीडियो और ये जो लेटेस्ट अपडेट आपको कैसे लगी, और आज की इस वीडियो में मेरी आपको कौन सी बात है वो बुरी लगी वो मुझे जरूर बताना। इस वीडियो में के कमेंट में मुझे जरूर बताना कि कौन सी बात है वो सबसे बुरी आज आपको इस वीडियो में लगी। इसके अलावा आपको ये भी बताना है कि आज की इस वीडियो के अंदर जितने भी मैंने लेटेस्ट अपडेट बताए उन लेटेस्ट अपडेट के अंदर कौन सी जानकारी आपको सबसे अच्छी लगी वो भी इस वीडियो के नीचे मुझे जरूर बताना। अगर फिर भी जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर देना, और जो साथी नए मेहमान है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और तो क्या, और तो फिर जय माता दी। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।